हाँ जी दोस्तों, सारे नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल ते तुहाडा मैं साडे चैनल नूर देसी ब्लॉग विच बहुत बहुत स्वागत करदी हां। दोस्तों अज 10 नवंबर है ते मेरी अज एनीवर्सरी है। वैसे तो तुसी सारे ने विश कर दिता क्योंकि मैंने ना जिहड़ा सवेरे ब्लॉग पाया सी ना उहदे विच फिर मैंने ऐड करता सी हैप्पी एनीवर्सरी। ते इह वाला ब्लॉग तां तुहानू कल देखण नू मिलेगा। कल की वार है, कल वीरवार है। हाँ ते 10 नवंबर लंघ गई होनी, फिर मैं रात ही लिखता सी कि सारे अज विश कर दूंगे है ना। फिर चलो हुण असी हो गए ने इधर रेडी शेडी ते मैं बच्चियां नू लगी हां उपर नलाण छत ते क्योंकि धुप बहुत वधिया चढ़ी भी। ते देखो अवनूर भी रेडी है, कीरत उधर है, उहनू भी नलाणा है ते दोनों नू नलाणा। जिन्हां दे सिर धोणे अज बुधवार है ना, तां फिर इधर साडे अज छठ पूजा भी है गुआंढियां दे, मतलब जाना इंदे नाल जाऊंगी असी मच्छी तलाअ ते जाऊंगे। बहुत उत्थे वधिया लगदा, तुहानू दसूंगे पूरा छठ दा। छठी मैया कहिंदे इहनां नू, छठी मैया। फिर ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਾ ਦਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਲੀ ਵੀ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਧੋਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਜੇ। ਮੰਮਾ ਉੱਧਰ ਐਪਲ ਚੀੜੇ ਕਰਦੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੌਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੈਲੋ ਸੌਰਵ। हेलो, देखो एप्पल खा लो, ये एप्पल खिलाया करते सानू। चल हुण इहने हुण इहने खेलना। इधर इधर चांदा रहिंदा, मम्मा जी कहिंदे इहनू छड्ड दो, फिर इहदे किहड़े कंध चाढ़ आउणा है। ते उह दरवाजा बंद करता क्योंकि फिर ये ममटी दे थल्ले चल के ना गिर सकदा। तां मम्मा जी उधर एप्पल चीरदी, मैं तुहानू दिखांदी है। ओह देखो, मैं ना एक अज थोड़ी ना किसी ना मिलाना चाहती, वो ना मेरे घर के नाल ही रहती है। पिंक छुप गई ओदा, और देखो इहदा नाम पिंकी है ते इहदे साडा नाल ही है। देखो साडी है उहदी कंध है, लेकिन असी बह जांदे मिक्स ही। चलो हुण असी तुहानू एप्पल खा के मिलदे आ, बाय। तू दिल मेरा ना तोड़ी, तेरी मेरी थड़ी ए नीली मतलब पूरा टोटली समान हुंदा। फिर ये प्रसाद दे तौर ते लेके जांदे इह, ते सारे ना जेंट्स लोग ही टोकरा चकदे, मतलब हसबेंड ते इन्हां दी वाइफ्स ने व्रत रख्या वा हुंदा। ते इह वाले भी मेरे पड़ोसी होई है, इन्हां ने भी रख्या वा व्रत, बट इन्हां नूं फीवर सीगा, बट फिर भी इन्हां ने रख्या वा। ते इन्हां दे व्रत इन्ने ज़्यादा हार्ड होंगे ना, दो दो तीन तीन दिन भुखे रहेंगे ये। सच्ची धन है लेडीज़। लो जी दोस्तों, छठ पूजा वाले जा रहे ने, सारे शाम का टाइम हो गया है। मेरे पड़ोसी है, बाकी पड़ोसी इधर वो मेरे अगे जा रहे ने, मैं इंदे नाल ही चली भी ना, फिर उत्थे जाके देखते दे हैं की हुंदा उत्थे। बहुत जा रहे ने, मैं थोनू दस दी अगे जाके। ये देखो ये ना मेन रोड का सीन है, तो सारे ना उपर रामनगर तो आए ने ये लोग। तो मच्छी तलाब है बहुत व्डा साढ़े नाल ही है, मतलब 5 मिनट का रस्ता है, बहुत व्डा मच्छी तलाब है। तो अज प्रशासन ने ना वो भर दिता सी उत्थे बोर वगैरह चला के, जिन्हां दी जमीन है ना मच्छी तलाए जिन्हां दी जमीन विच, तो फिर उन्होंने पूरा पानी नाल भर दिता सी। तो सारे लोग उत्थे ही जा रहे ने क्योंकि इन्हां दे व्रत दी ना ये महत्ता है कि इन्होंने पानी विच खड़े होके ना डुबदे सूरज नाले चढ़दे सूरज नूं अर्घ देना, मतलब अज दा दिन है, शाम दा सीन है ये, ते डुबदे सूरज नूं देना ते फिर कल सवेर नूं फिर इन्होंने 4 बजे आके बैठ जाना उत्थे, अपनी पोजिशन मतलब लै लैनियां सारिया ने जिथे जिदा हुंदे ना। फिर सवेरे फिर इन्होंने जदों सूरज उदय होना, मतलब चढ़दा सूरज होना, तां इन्होंने फिर सूरज देवता दी पूजा करनी। फिर उहदे बाद विच इन्हां ने कल अगले दिन ने व्रत खोलना, ते सारे उत्थे ही जा रहे ने। ते जिहड़ियां लेडीज़ सजी भी है ना, बहुत ज़्यादा सजी भी आ, ते इन्हां ने व्रत, ये इन्हां नूं वर्ती कहा जांदा, इन्हां ने यह व्रत रख्या वा हुंदा इह। इन्हां दे ना मतलब बिहार साइड दे जो लोग है ना, इन्हां दे इक जीवतिया दा व्रत हुंदा ते इक आह वाले व्रत हुंदे। इन्हां दे जिन्ने भी व्रत हुंदे ना काफ़ी हार्ड हुंदे, ते फिर ये छठ पूजा का व्रत तो इन्हों का बहुत ही ज़्यादा हार्ड हुंदा है। 3-3 दिन तक भुखे रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। सच्ची मैं तो ना इधर आके देखा, तो बहुत ही देखो सारे मेरे पड़ोसी ने इन्होंने अपनी छठी मैया टाइप इदा कुछ जो बनाया वा ना ये मिट्टी का, तो इस माता की पूजा की जाती। इतने सारे अपने उ
फल फ्रूट वगैरह रख रहे ने, धूप बत्ती अपनी करके इस टाइम यह डुबदे सूरज का इंतजार करते ने। जो मतलब सूरज डुब जाता तो फिर उदे बाद विच इह अपनी पाठ पूजा करके पूरे इन्होंने फिर अपने पूरे विधि विधान नाल रीति रिवाज नाल ए वाले व्रत की फिर इत्थे आराधना की जाती। तो देखो सारे मतलब जिन्हें भी सजे हुए है ना सारे व्रती ही है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता इत्थे इस टाइम। तो इन्होंने ना ये दिवाली तो अगले दिन मैं थोनू दस्या सी ना कि छठी मैया दी अपनी इस तरह बना देंदे, दिवाली तो अगले दिन ही बनाता सी इन्होंने। फिर अज मतलब दिवाली तो कुछ दिन बाद चो जिस तरह 4 नवंबर की दिवाली सी ते 10 नवंबर नू इन्हां दा व्रत सी, मतलब इन्हां दा व्रत तो यह 9 तरीक तो स्टार्ट हो गया सी, 9 तरीक तो लैके इन्होंने फिर 11 तरीक नू खोलिया सी ये वाला व्रत। 11 नू सवेर नू चढ़दे सूरज नू अर्ग देण दे बाद चो फिर ये वाला व्रत खोलिया। तो ये देखो ये अपने सारे इत्थे बैठे ने, इत्थे इस टाइम ये सूरज देवता की आराधना करते हैं। तो मैं हुण तुहानू मच्छी तलाब भी दसांगी जिहड़ा ये देखो बहुत वड्डा है। तो जिहड़ी ये वाली लेडी खड़ी है ना इन्होंने कोई मन्नत मंगी हुंदी तां इन्होंने 19 देर तक खड़ना हुंदा, जिन्नी देर तक मतलब सूरज देवता डुब नहीं जाते, मतलब पूरे व्रत 2-2, 3-3 दिन के भुखे होंगे। तो उपर तो इन्होंने फिर इन्नी कठिन इन्हों की तपस्या होंगी है। देखो पूरा मच्छी तलाब बहुत वड्डा है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा है इस साइड साडा पूरा रामनगर ना, इधर तो पूरा यूपी बिहार नाल ही भरिया वा, मतलब इस व्रत की इन्हों की बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत धूमधाम नाल मनाते ये। तो इतने जेडे 2-3 मेरे पड़ोसी सीगे ना, मैं तो उनके नाल ही आई सी, बाकी तो बहुत इतने सारे की अपनी पूजा अपने रीति रिवाज है इन्हों के। तो ये देखो किन्ने मतलब सोहने भी लगते हैं, तो साइड में झूलों का इंतजाम भी किया हो, क्योंकि एक अज का दिन तो एक कल सवेर का दिन इन्होंने इतने फिर बच्चे वगैरह जिन्होंने झूले झूटने फिर वो झूट जाते। तो पूरे परिवार के ना परिवार आते होंगे इस व्रत में, इन्होंने सारे वास्ते नवे कपड़े ले हुए होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा तो बहुत हो जाता इन्हों का इस व्रत में, बट इन्ह की अपनी मानता भी बहुत है। तो यह देखो ये वाली लेडी ए बिच ना चुभिया मारेगी पानी विच, ये मतलब बहुत हार्ड इन्हों की भी ना कोई मन्नत होनी, तो ये अपना पानी दे विच खड़े होके लक लक पानी हुंदा है उदे विच एन खड़े होके ना ये सूरज डुबदे इस टाइम सूरज डुब रहा ने, ते उन्हां दी ये पूरी अपनी उरे ये सूरज नू अर्ग दे के फिर अपनी पूजा करते ने। ते मैं फिर आ गई सी वापस थोड़ी देर बाद चो, फिर हजे भी ना लोग जा रहे सी उत्थे, मतलब मच्छी तला दे उत्ते ना पूरा इकट्ठ हो जांदा, कम से कम ये 2-3 किलोमीटर एरिए है मच्छी तलाब बहुत वड्डा है। तो ये देखो किस तरह, तो वापसी का सीन है जो पूजा करके वापस आ गए ना हुण सारे अपने घर नूं जा रहे ने, तो इन्होंने हुण सवेरे 3-4 बजे तड़के फिर चले जाना अपने उसी जगह ते जिथे जिथे सारे खड़े होंगे। तो सवेरे इन्होंने चढ़ते सूरज नूं अर्घ दे के पूजा करके पूरे अपने विधि विधान नाल फिर इन्हों का व्रत खुलदा आके ये, फिर अपने जो खाते पीते वो इन्होंने खुलना, कल इन्होंने उ इन्हों 10-11 बज जाते, मतलब पूरा बंब वगैरह पटाके वगैरह चलाए जाते सवेरे। जो मैं नैक्सट टाइम फिर 7 बजे जो फिर मैंने वो थी ना उठी सी, जब मैं फिर मैंने देखा कि बंब पटाके वगैरह चल रहे थे, मतलब इन्हों का व्रत उस टाइम खुल गया से, क्योंकि 7 बजे तो पहला ही सूरज देवता आ गए सी। फिर इन्होंने सूरज की पूजा करके आराधना करके फिर अपना ये वाला व्रत खोलिया सी। देखो किन्ना ज़्यादा रश है, बस फिर उदे बाद चो मैं सीधी तुहानू शाम नू मिलूंगी, ते फिर मैं उत्थे इस टाइम बना रही हूँ पनीर की सब्जी, बिल्कुल सिंपल वे च बनाऊंगी। ये पहला मैं सरों का तेल पा दिंदी हाँ कड़ाही विच, बस फिर तेल जदों मेरा गर्म हो गया मैं फिर पनीर दे टुकड़े नाल नाल कट करके रख लैनी हाँ। तो फिर उसी दिन शाम का 1-2 दिन थोड़ा जा व्लॉग लेट हो गया उदे वास्ते प्लीज़ आई एम सॉरी, तो फिर क्योंकि तबीयत ठीक नहीं सी ना उदी वजह नाल, बस फिर उधर मेरा तेल गर्म हो गया सी, ते फिर उदे विच फिर मैं जीरा पा दिंदी हाँ, जीरा चटक जूँगा जा फिर उदे विच फिर असी जिहड़ा अपना लसन प्याज हरी मिर्च अदरक दा पेस्ट बनाया हुंदा फिर मैं उहनू पा दूंगी, जद चंगी तरह हो जूँगा फिर उदे विच असी टमाटर ऐड कर दूंगे, बस फिर इहदे विच साडे सुके बेसिक मसाले नमक हल्दी मिर्ची बस यही वाले है, थोड़ी जी कसूरी मेथी पा दें, बस फिर जेडे पनीर के टुकड़े मैं कट करते किते सीगे वो वाले पा दाँगी, चाहे पनीर की भुर्जी बना लो चाहे पनीर के टुकड़े कट करके पा लो, जिस तरह की ग्रेवी करनी उस तरह की अपनी मर्जी नाल कर लो, बस ये फिर
मेरी बन गई सी सब्जी। फिर उसके बाद असी फिर उन्होंने घर जाना सी जिन्हां दे पूजा सी ना मेरे गुआंढियां दे। फिर जदों वापस आ गए सी ना वो तो ये देखो फिर आके फिर अपनी पूजा आराधना करते हैं। जिहड़े इन्होंने गन्ने टाइप लगाया ना ये भी इन्हां दी मन्नत हुंदी। हाँ जी दोस्तों सारयां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल ते तुहाडा मैं साडे चैनल नूर देसी ब्लॉग विच बहुत बहुत स्वागत करदी आं। दोस्तों अज शुक्रवार है ते परसों वाला ही ब्लॉग है, मतलब ओही कंटिन्यू हो रहा है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं सी फिर मैं ना इनू बना नहीं सकी अगे, तो फिर इस टाइम बज रहे ने शाम दे 4 ते हुण मैं फिर चाह बनानी ते फिर बाद विच सब्जी बनानी ते थोड़ा जिहा मैंने राशन भी लेके आना। इत्थे जाऊंगी अपने लोकल दुकान फिर तो मैं क्या वीडियो भी अपनी स्टार्ट कर लैने आ जिहड़ा व्लॉग कंटिन्यू किया वा छठ पूजा के बाद चो फिर मैं बनाया नहीं क्योंकि कल तबीयत डाउन सीगी। बस फिर उस वजह नाल फिर अज कपड़े वगैरह बहुत धोए तो फिर सारा दिन इदा ही लंघ गया क्योंकि कल फिर काम नहीं ना मैंने किया सी ज्यादा कुछ खास दवाई लैके पै गई सी। तो हुण चलो मैं क्या अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लैंदे आ ते नाले देखदे आ की हुंदा शाम तक। ते तुसी बने रहो मेरे चैनल ते ते वीडियो तुहानू चंगी लगती प्लीज एक लाइक कर दिया करो ते नूर देसी व्लॉग नू प्लीज प्लीज सबसक्राइब कर लो ते हाँ कमेंट करके दस्यो कि मैनू के तुहानू वीडियो किस तरह की लगी है ना। तो चलो हुण पहला मैं चाह बना लवां ते बच्चे दोनों बाहर खेड रहे ने अज सारा दिन क्योंकि तुहानू तां पता है साडी इधर बंद गली है फिर इधर ट्रैफिक का कोई चक्कर नहीं हुंदा, मतलब सानू एक तरह नाल वेड़ा ही है एक तरह नाल जिथे बच्चे अपने खेड सकदे ने। तां फिर चलो हुण मैं फिर चाह बना लवां ते आके बच्चे भी पी लूंगे। तां दोस्तों अज मैंने कपड़े धोए सी अज शुक्रवार है ते फिर ये देखो ये शाम का सीन है। फिर कपड़े मैं उपर इकट्ठे कर आई सी सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं नीचे लै जाती हाँ क्योंकि मशीन वाले कपड़े होंगे ना फिर इन्हों ज़्यादा इन्ने गिले नहीं होंगे सिर्फ थोड़े बहुत जी ग्रीन कलर की तुम कीर्ति की हुडी देख रहे हो ना ये मेरे नीचे गिर गई सी मिट्टी लग गई सी फिर मैं पानी क्ढ़ी सी फिर ये गिली सी ये सुकी नहीं सी फिर मैं इनू फिर अंदर मोंटी ही सुकने पा दी हाँ फिर इनू हूँ कल चकागी तो फिर सारे कपड़े मैं उतार के ना इस तरह फिर नीचे ना ये तह ला के फिर बच्चे तह लगा देंगे ने तो फिर यही काम होंदा साडा शाम का क्योंकि अजकल दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए वे 5:30 बजे नेरा हो जाता ये मैं लगता 4 बजे का सीन है जिस टाइम मैं उपर कपड़े उतारन आ गई सी सुक गई सी धुप वधिया सी अज भी चढ़ी फिर उस वजह नाल ना सुक गई सी ते हुण मैं ना ये तार इधर नूं लगा ली अपनी कपड़िया वाली पहला मेरी दूसरी साइड सी लंबी मैं अपने पड़ोसियों नाल बन्नी भी सी फिर मैं इधर नूं लगा लैंदी आ फिर उसके बाद मैं झाड़ू मार दिंदी आ पता नहीं क्यों मेरे ना जिहड़े आ गमले वाले ये मैंने फुल लगाए हुए ना ये पत्ते टाइप मतलब ग्रीनरी टाइप है तो ये पत्ते बहुत झड़ रहे शायद मौसम बदल गया है ना इस वजह नाल रात नूं ठंड हुंदी ना फिर हुण ना पत्ते सारे नीचे झड़ जांदे ने ते फिर अजे छत हुण मैं कुछ दिन पहला ही तो सारी छत की सफाई की सी तो फिर ये पत्तियां दी वजह नाल ना बहुत ज़्यादा फिर उपर खलारा जहा पै गया सी ते वो चंगा नहीं लगता सी फिर मैं लगे हाथी झाड़ू भी मार दिंदी हाँ ये देखो इधर फिर सारा मेरा झाड़ू वज के फिर मैं पत्ते सारे साइड साढ़े प्लाट है इधर फिर मैं उधर सुट दिंदी हाँ वैसे तो इस पत्तियां दी मैल भी बन जाती बट हजे मैं इतने ज़्यादा गमले क्योंकि मेरे छोटे है बूटे वड्डे हो गए ना तो फिर गमले छोटे है तो फिर हजे इस वजह नाल नहीं बना सकती तो किरत ने शूट कर लिया सी मैं लगता तुहानू छत दिखा रही है कि सारी मम्मा ने संभरती बस हुण मैं तुहानू सीधा शाम नू मिलूंगी। हाँ जी दोस्तों मैं ना राशन ले आई सी थोड़ा जा लेके आई जेड़ा लेके आई वह तुहाडे नाल मैं शेयर कर दिंदी हाँ। सब तो पहला मैं लेके आई है तिलां दा तेल ये जोत वास्ते है मैं तिलां दे तेल दी ओही जोत करदी हुंदी फिर उहदे बाद चो एक माचिस का पैकेट और ईजी दे पाउच है 4 ये वाले बोतल है नहीं सी भाई पास फिर मैं 4 पाउच लेके आई और फिर एक 1 kg टाइड है सर्फ क्योंकि मशीन विच मैं या तो सर्फ एक्सल यूज कर दी या फिर टाइड यूज कर दी एक ये है ते फिर उसके बाद विच देव दर्शन धूप यही धूप मतलब इहदी मैनू खुशबू बहुत वधिया लगती देव दर्शन धूप दी एक फिर मैं बॉक्स ये वाला लेके आई ते अद्धा किलो लेके आई ब्लैक सॉरी वाइट चने चिट्टे छोले कुछ पे सी ते फिर कुछ ए वाले हो गए तो फिर ये है ते एक 1 kg शक्कर है क्योंकि साढ़े दुध चाह विच ना शक्कर ही पाती मैं फिर 1 kg शक्कर है ते एक लेके आई बच्चों का तेल बजाज आलमंड का ये वाला ये हुण काफी दिन लंघ जाणगे तो चलो मैं क्या थोड़ा जा समान जो लेके आई तुहाडे नाल शेयर कर देवां। हुण मैंने अज सब्जी बनानी है हरी मूंगी बनांदी है अज तो प्याज लैने मेरे प्याज खत्म है बाहर भाई आ गया पहला मैं प्याज लवां जाके
क्योंकि अदरक लहसुन और हरी मिर्च ता है, टमाटर भी है, बस प्याज नहीं है, वो ले लवा। चलो फिर मैं प्याज ले लवा हुण की शूट करना, बस हुण मैं कहा जो समान लेके आई तुहाडे नाल शेयर कर देवा। ता चलो हुण फिर मैं वीडियो नूं भी खत्म कर दिया। वीडियो तुहानूं चंगी लगे लाइक शेयर ते कमेंट करके जरूर दस्यो, ते नूर देसी ब्लॉग चैनल नूं प्लीज प्लीज सबसक्राइब कर लो। चलो हुण तुहानूं फिर मैं कल नवी वीडियो नाल मिलदी हां, तद तक सारयां नूं मेरे वल प्यार भरी सत श्री अकाल। हसदे रहो, वसदे रहो, खुशहाल रहो।